गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हमारा लास्ट चैप्टर है। लास्ट का मतलब है कि हमारे जो फर्स्ट एग्जाम में कोर्स में चैप्टर 1 से 13 तक ही आएगा, उसके बाद हम रिवीजन करेंगे। तो लास्ट चैप्टर है 13 तक ही पढ़ना है, उसके आगे अभी नहीं पढ़ना है। तो 13 चैप्टर कौन सा है? सी, सागर। तो सागर तो आपने सबने देखा है। पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, फिर शब्दार्थ कराती हूँ। हरदम हंसता गाता सागर, तेज मंद लहराता सागर, कितना पानी कितनी लहरे, आओ जरा किनारे ठहरे, कुछ भी हो हरदम खुश रहकर, जीना हमें सिखाता सागर। इसका मतलब क्या समझाया गया है कि सागर इतना गहरा है, इतना पानी भरा है उसमें, फिर भी उसकी लहरें उठती तो कितना अच्छा लगता है। हमेशा हंसता रहता है, तेज मंद, कभी तेज हंसता है कभी धीमे धीमे हंसता है। आओ जरा किनारे ठहरे, हम उसके किनारे ठहरते हैं तो हमें ऐसा खुशी का माहौल समझ में आता है। उसकी अगर बूंदें हमारे चेहरे पे गिरती हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। तो हमें भी सागर की तरह ही बनना है, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहना है, आगे बढ़ना सीखना है। अब आपको देखना है शब्दार्थ। हरदम मतलब होता है ऑलवेज, ALWAYS ऑलवेज। हंसना मतलब टू लाफ, TOLAUGH लाफ। लहर, लहर मतलब वेव, WAVE वेव, जो आती है ना समुद्र में ऊपर नीचे वेव, उसको बोलते हैं वेव। पानी, पानी मतलब होता है वाटर, WATER वाटर। ठहरना मतलब रुक जाना, पानी कभी कभी रुक जाता है ना बरसात में भी वैसे, तो स्टे, STAY स्टे। हमें, हमें का मतलब होता है अस, US। फिर उसके बाद एक्सरसाइज देखो, ये क्या करना है, देख देख के लिखना है अच्छी राइटिंग में। सागर हरदम हंसता गाता है, सागर लहराता है। थर्ड नंबर देखना है, सागर हमें जीना सिखाता है। अब टू नंबर, हिंदी शब्द के सामने अंग्रेजी शब्द लिखो। ऊपर करवाया था वैसे ही, पानी मतलब वाटर, लहर मतलब वेव, हंसना मतलब टू लाफ, और हमें मतलब अस। अब आपको क्वेश्चन नंबर 3 देखना है, समझो और लिखो, अंडरस्टैंड एंड राइट। एक का अनेक करना है, जैसे तारा तारे, किनारा किनारे, बच्चा बच्चे, पत्ता पत्ते, खिलौना खिलौने, रास्ता रास्ते, लड़का लड़के, छाता छाते। फिर सेकंड नंबर, सागर और इनका सब कैसे होगा, देखो सागर, बालक, फूल, शहर, पेड़, फल, बेल, किसान, सेम टू सेम लिखना है कि इसमें ए नहीं लगा सकते हम, सेंटेंस होगा ही नहीं चेंज। अब उसके आगे, लहर लहरे, बहन बहने, किरण किरणे, सड़क सड़कें, पुस्तक पुस्तकें, पेंसिल पेंसिलें, गाए गाए, रात रातें। ओके, सब समझ में आया बेटा आपको? ये आपका लास्ट था, उसके बाद मैं आपको फर्स्ट एग्जाम का रिवीजन करवाऊंगी। बाय बाय बेटा।